हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी जो है क्लच पुली की बेयरिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें जो है नीडल बेयरिंग लगी रहती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर नीडल बेयरिंग है। सिमिलरली एक जो है यहाँ पर बॉल बेयरिंग रहती है, तो दो बेयरिंग्स पे जो है क्लच पुली रहती है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें इस नीडल बेयरिंग को निकालना होगा, और नीडल बेयरिंग का यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं 2029 18 RS है इसका, 2918 RS है इसका नंबर। और सिमिलरली जो ये वाला बेयरिंग है इसका नंबर है 6902 2RS बेयरिंग है, रिवर्सिबल लेड बेयरिंग है। तो सबसे पहले हमको जो है ये जो है नीडल बेयरिंग को रिप्लेस करना होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, इस साइड से हीट करते हैं तो ये क्लच पुली डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केस में हम जो है एक बेयरिंग रिमूवर टूल आता है उसका यूज़ करेंगे। तो कुछ इस टाइप का ये बेयरिंग रिमूवर टूल है। तो यहाँ पर ये जॉज हैं इसके अंदर, जो कि इसके अंदर फंस जाएंगे और देन हम अपनी बेयरिंग को निकाल पाएंगे। तो इस बेयरिंग रिमूवर टूल को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले ये जॉज हैं, इसको आपको बेयरिंग के अंदर डाल लेना है जितनी डीप ये जा सकते हैं। देन ऊपर से जो यह है इसको टाइट करना है आपको, इससे क्या है जॉज फैल जाएंगे, तो इसको फुली टाइट कर लेना है आपको। तो ये फुली टाइट हो गया है ना। यहाँ पर जो ये हमारे पास सपोर्टिंग आर्म्स हैं दो, इनको अरेंज कर लेना है इनके हिसाब से, दोनों को अरेंज करके स्ट्रेट पोजीशन में। देन एक एलन की लेनी है आपको 5 mm की, और इसको टाइट कर लेना है, दोनों एलन स्क्रू जो है इनको टाइट कर लेना है। हल्का से टाइट में चल जाएगा, केवल सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं। दोनों साइड के एलन की इसको हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों आर्म्स जो हैं प्रॉपरली यहाँ पर टाइट हो चुके हैं ना। यहाँ पर जो नट है 28 mm का, इसको हमको टाइट करते जाना है और ये बेयरिंग को ऊपर पुल करते रहेगा। 21 mm का हम स्पैनर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेयरिंग बाहर आ चुकी है पूरी तरीके से ना। हमको जो अंदर बेयरिंग लगी रहती है, बॉल बेयरिंग लगी रहती है, उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वहाँ पर एक सर्कल ब्लॉक दिया है जिसको हम स्टेप रिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, तो उसको हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्नैप रिंग निकालने के लिए आपको इस प्रकार का स्नैप रिंग प्लायर या सर्कल प्लायर चाहिए होगा। तो इसके अंदर लगी रहती है स्नैप रिंग, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है और यहाँ पर स्पेस भी थोड़ा कंजस्टेड है, तो इसलिए हमको स्नैप रिंग को एक साइड से डालना पड़ेगा स्टेप से, और देन हमको स्नैप रिंग निकालनी पड़ेगी। तो कुछ स्टेप से आपकी स्नैप रिंग बाहर आ जाएगी, देन हमको बेयरिंग को बाहर निकालना होगा एंड देन इसको प्रेस कर सकते हैं ऊपर से। ये काफ़ी लूजली बैठा रहता है तो इस वजह से इजली ये बेयरिंग निकल जाती है। तो इस टाइप से हमारी ये बेयरिंग निकल जाएगी, 6902 होता है इसका नंबर। तो अभी मेरे को बेयरिंग्स तो मिल नहीं पाई, मार्केट में गया था मैं पूछने, बट अभी हम इन्हीं को इंस्टॉल कर लेंगे। इनकी कंडीशन उतनी बुरी भी नहीं है, क्लीन कर लिया है मैंने और आपको प्रोसेस दिखा दिया था किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यह 6920 वाली बेयरिंग लगानी है, 6902 सॉरी। तो उसको सिंपली प्रेस करना है, इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। सिंपली आपको बेयरिंग लगानी है एंड देन इसको प्रेस करते जाना है, और ये इजीली बैठ जाती है क्योंकि ये काफ़ी लूजली बैठती है सीट पे। तो कुछ इस टाइप से आपकी ये बेयरिंग इजीली बैठ जाएगी।
सिंपली प्लास्टिक के पाइप से। देन आपको स्नैप रिंग लगाना होगा, क्लिप लॉक निकाला था उसको वापस से लगा लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको टेल करके लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड होती है। तो कुछ इस टाइप से आपका सर क्लिप लॉक लग जाएगा। क्लिप लॉक लगाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीस अप्लाई कर लेना है अपनी नीडल बेयरिंग के लिए, ताकि वो स्मूथली बैठ जाए। तो इस टाइप से आपको एक बोर को थोड़ा सा लूप कर लेना है, देन अपनी नीडल बेयरिंग को आपको लगाना है। जो जिस साइड नंबर लिखा रहता है वो साइड बाहर की ओर आता है, और देन आपको इसको प्रेस करना है। ये इतनी इजली प्रेस नहीं होगा, तो इसके लिए आपको मैलेट का यूज़ करना होगा। तो देन आपको मैलेट लेना है और इसको टैप करते जाना है। तो इतना सफिशिएंट है, सिर्फ इस सरफेस के नीचे तक जानी चाहिए बेयरिंग और वे प्रॉपरली चली गई है। देन आपको उसको चाहें तो आप लूप कर सकते हैं, और लूप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए आप मल्टीपर्पज़ ग्रीस का यूज कर सकते हैं। नीडल बेयरिंग को लूप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये नॉइज क्रिएट करता है। तो इस टाइप से आपकी बेयरिंग दोनों लग चुकी हैं। नॉइस क्लच पुली को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये किसी भी प्रकार की नॉइज जो है क्रिएट नहीं करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे छोटे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।